Yes, good morning students. Today we will start exercise 3.2. In this exercise we will discuss about prime number, composite number. So prime number means the number which is divisible by one and self. एक ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ वन से डिवाइड होता है एंड सेल्फ से डिवाइड होता है. द नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय वन एंड सेल्फ. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 1, 3, 5, 7 एंड इधर इसका बिल्कुल अपोजिट द नंबर विच इज डिविजिबल बाय सो मेनी नंबर. वो बहुत सारे नंबर्स से क्या होगा डिविजिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल 14, 16, 18 आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो. तो ये तो होंगे हमारे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. प्राइम नंबर आपको सिंपल सा याद रखना है विच नंबर इज डिविजिबल बाय वन एंड सेल्फ ओनली. इन अदर वर्ड्स विच नंबर है ओनली टू फैक्टर्स वन एंड सेल्फ. हेयर द कंपोजिट नंबर इज विच नंबर इज डिविजिबल बाय सो मेनी नंबर्स एंड इन अदर वर्ड्स विच नंबर है सो मेनी फैक्टर्स. Now the next type of number is odd number. Odd number means not divisible by 2. ये कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होंगे. और अगर इवन नंबर्स की बात करूं तो ये आपको नोट डाउन भी करने हैं. The number which is not divisible by 2, same here, the number which is not divisible by, divisible by 2. Here examples होंगे 4, 8, 16 और यहां पे एग्जाम्पल होंगे 3, 5, 9, 11 कुछ भी हो सकते हैं. यहां पे एक चीज याद रखनी है अगर वंस के प्लेस पे वंस वाला जो प्लेस होता है किसी भी नंबर का वहां पे 0, 2, 4, 6, 8 दीज डिजिट्स आर अवेलेबल एट द प्लेस ऑफ वंस देन इट विल बी ए सॉरी इवन नंबर देन इट विल बी ए इवन नंबर. द नंबर विच इज एग्जांपल्स मैंने उल्टे लिख दिए. यहां पे आएगा 2, 6, 8 द नंबर विच है 0, 2, 4, 6, 8 एट द प्लेस ऑफ वंस इज नोन एज और इवन नंबर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 इज ए पार्ट द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ए पार्ट में तो बोला है टू ऑड नंबर्स का सम क्या होगा एंड बी पार्ट इज इवन नंबर्स का सम क्या होगा. इज दैट क्लियर. सो हम लोग ले लेते हैं टू ऑड नंबर्स. तो आप अपनी मर्जी से कोई भी टू ऑड नंबर्स चूज कर लो. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन 5 and 7 इनका सम क्या होगा 12 एंड 12 इज ए इवन नंबर. 12 is a even number. So we can say that the sum of two odd number is always a even number. Here we will take two even numbers and the sum of two even number will be an even number. That's our question number first of exercise 3.2. Yes, now the question number second is true or false type question.
द फर्स्ट पार्ट इज द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स. कितने ऑड नंबर है? थ्री. इज इवन. ही इज आस्किंग दैट द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर्स इज इवन. वी विल टेक एनी थ्री ऑड नंबर्स. सो वन प्लस थ्री प्लस फाइव, दीज आर थ्री ऑड नंबर्स. व्हाट इज द सम? नाइन. नाइन इज इवन नंबर? नो. सो इट विल बी नो या फिर फॉल्स. ओके, नेक्स्ट इज द सम ऑफ टू ऑड. सो टू ऑड नंबर्स, फाइव प्लस सेवन एंड वन इवन. वन इवन वी विल टेक थ्री. इज इवन. इन तीनों का सम करके देखते हैं. अगर इवन आएगा देन ट्रू, नहीं आएगा तो फॉल्स. तो ये आएगा 15. 15 इज नॉट ए इवन नंबर, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स. एंड द थर्ड पार्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड, प्रोडक्ट 5 थ्री जा 15 एंड 15 वन जा 15, सो इट विल बी ऑड. या राइट, इट इज ट्रू. नेक्स्ट, वन सेकेंड, आई देर इज ए मिस्टेक. टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर है यहां पे, तो 14 आएगा. इट विल ऑल्सो ट्रू. करेक्शन कर लेना आप लोग. एंड तीन पार्ट्स ये हो गए और रिमेनिंग पार्ट्स मैं अभी लिख रहा हूं. If an even number is divided by 2, the quotient is always odd. Part all prime numbers are odd. तो देखो, if an even number is divided by 2, अगर एक even number को हम 2 से divide करें, then the quotient is always odd. तो जो quotient मिलता है वो always odd number होगा. तो देख लेते हैं एक बार. even number ले लो कोई भी 16. इसको हमने 2 से divide किया, 2 8 का 16, तो क्वोशेंट क्या आया हमारा? 8. एंड 8 इज नॉट ए ऑड नंबर, सो इट इज फॉल्स. द डी पार्ट इज फॉल्स. नाउ ई पार्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड. प्राइम नंबर्स वी हैव टेकन सो मेनी एग्जांपल्स, बट 2 इज ए प्राइम नंबर. दैट इज 2 इज ए प्राइम नंबर. आई हैव एक्सप्लेन्ड प्राइम नंबर होता क्या है, जो वन से और सेल्फ से डिवाइड होता है. तो टू भी वन से और सेल्फ से डिवाइड होता है. सो टू इज ए प्राइम नंबर, बट ये ऑड बिल्कुल नहीं है, ये इवन है. सो इट इज ऑल्सो फॉल्स. Sum of two prime numbers is always even. आपको ये सॉल्व करना है कि दो प्राइम नंबर्स का सम. अब प्राइम नंबर सम ले लेते हैं, 2 प्लस 3, इनका सम करो क्या आया? 5. ये इवन है क्या? नहीं है. सो इट इज ऑल्सो फॉल्स. ये तो सारे ही फॉल्स आ रहे हैं. कब झूठ बोलते हैं? जी पार्ट इज प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव
एनी फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर. सो प्राइम नंबर्स का कोई फैक्टर नहीं होता? नहीं, दो फैक्टर होते हैं, वन एंड सेल्फ. सो इट इज ऑल्सो फॉल्स. द एच पार्ट इज टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. टू एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है. या इट इज ट्रू, सिर्फ टू ही आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो प्राइम भी है एंड इवन भी है. एंड द सेकेंड लास्ट पार्ट इज ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट. सारे इवन नंबर कंपोजिट होते हैं, कहीं नहीं होते. टू तो प्राइम नंबर होता है, तो ये भी फॉल्स. अभी अभी बताया कि टू प्राइम नंबर है, तो टू एक एक्सेप्शन हो गया इस केस में. एंड वन मोर पार्ट इज देयर, जे, दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर. द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, फोर इंटू टू आएगा क्या, एट, एंड इट इज ऑल्सो इवन. तो ये क्या है, ट्रू रिलेशनशिप.